बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल सेफ एंड साउंड इन योर होम्स। डियर स्टूडेंट्स, आवर टुडेज टॉपिक इज आर्टिकल। आवर टुडेज टॉपिक इज आर्टिकल्स, जिनको उर्दू जबान में बोला जाता है हरूफ़े तनकीर। जी डियर स्टूडेंट्स, ए, एन और द को हरूफ़े तनकीर कहा जाता है, यानी कि आर्टिकल्स कहा जाता है। प्यारे बच्चों, ऐसे हरूफ जो किसी इसम को मखसूस करने या आम बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाए, उन्हें हम आर्टिकल्स कहते हैं। जैसे कि आ बर्ड, आ बॉय, आ बुक, एन एग, द डॉग, द बुक, द गर्ल, द बुक वगैरह वगैरह। इनमें जो ए और एन है उनको इनडेफिनेट आर्टिकल बोला जाता है। देखिए, तीन आर्टिकल्स हैं, ए, एन और द, ठीक है। इसमें जो ए और एन है उसको हम इनडेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं, और अभी हम इसको लिखेंगे भी। अभी मैं आपको थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन करवा दूँ, देन रिटर्न की तरफ आएंगे। और जो द है उसको डेफिनेट आर्टिकल बोला जाता है, ठीक है। अब जो ए और एन है, प्यारे बच्चों, आप सब बच्चे वोवल्स के बारे में जानते हैं। ए, ई, आई, ओ, यू वोवल्स होते हैं, जो कि आप 1-2 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। तो ए और एन में से एन का जो इस्तेमाल है वोवल्स के साथ होगा, और जो ए का इस्तेमाल है वो उसके साथ होगा, कॉन्सोनेंट्स के साथ। तो डियर स्टूडेंट्स, ए से लेकर जी तक देर आर 26 अल्फ़ाबेट्स, ए टू जी, ए, ई, आई, ओ, यू, देर आर 5 वोवल्स। अब ए, ई, आई, ओ, यू वोवल्स हैं, और बाकी की जितनी भी अल्फ़ाबेट ए बी सी में ए बी सी अल्फ़ाबेट्स जो बच जाते हैं उनको बोलते हैं कॉन्सोनेंट्स। तो जो है एन वो वोवल्स के साथ इस्तेमाल होता है, और जो बाकी के जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं उनके साथ आ का यूज़ होता है, ठीक है बच्चों। सबसे पहले तो आपको ये क्लियर करना है। अब जो दा है, दा का इस्तेमाल जो है वो बड़ा अहम होता है। दा के इस्तेमाल की तीन सूरतें होते हैं, कहीं तो दा ज़रूर लगता है और कहीं हरगिज़ नहीं लगता, और कहीं लगाएं या ना लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी कि कुछ जगहों पर ये बिल्कुल कंपलसरी होता है और कुछ जगहों पर ये बिल्कुल ही नहीं लगता, और कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ आप लगा दें या ना लगाएं, दोनों तरह से काम चल जाता है, दोनों ही सूरतें दुरुस्त होती हैं। पहले मैंने आपको ए और एन आइडेंटिफाई करवा दिया कि आ जो है वो कॉन्सोनेंट्स के साथ लगेगा, एन जो है वो वोवल्स के साथ लगेगा। वोवल्स ए, ई, आई, ओ, यू वोवल्स हैं, और बाकी के जितने भी अल्फ़ाबेट हैं ए से लेकर जी तक वो सब के सब कॉन्सोनेंट्स हैं। अब दा की तरफ वापस आते हैं कि जो दा है इसके लिए सही अंग्रेज़ी बोलने या लिखने के लिए दा का इस्तेमाल जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। दा जो है वो वाहिद और जमा दोनों के साथ इस्तेमाल होता है। यहाँ हम दा के इस्तेमाल करने या ना करने के मतलब चंद बातें, यानी कि हम जब इसको लिखेंगे तो चंद बातें रसूल जो हैं वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। दा दरअसल जो है दिस, दीज और दोस की जो है ना मुख्तसर शक्ल है। किसकी? दीज, दोज और दिस की एक मुख्तसर शक्ल है। लेट स्टार्ट ओवर वर्क। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द स्केच ऑफ आर्टिकल। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ड्रॉ अ मार्जिन लाइन ऑन एटलीस्ट 2-3 पेजेस। So can we start our lesson, our lecture like this? ये मैंने आपके लिए पेज रेडी कर रखा है। हमने मार्जिन लाइन लगाई पूरे पेज पे, देन हमने लिखा टॉपिक। ये ज़रा आप गौर से देख लो बच्चों, टॉपिक, टी ओ पी आई सी, टॉपिक, आर्टिकल्स, ए आर टी आई सी एल ई एस, आर्टिकल्स। हम टॉपिक को अंडरलाइन करेंगे और फिर आर्टिकल्स को अंडरलाइन करेंगे। टॉपिक, आर्टिकल्स, यानी कि हरूफ़े तनकीर। तो ये देखिए, ये इसका स्केच है, जैसे कि अभी मैंने आपको समझाया है बिल्कुल वैसे ही स्केच है। इसी तरह आपने ये स्केच बनाना है, आपने अपना टॉपिक लिखना है आर्टिकल, और उसके नीचे आपने इस तरीके से दो एरोज लेने हैं। एक पे आपने लिखना है इनडेफिनेट आर्टिकल्स, एक पे आपने लिखना है डेफिनेट आर्टिकल्स। ये देखें, आई एन डी ई एफ आई एन आई टी ई, इनडेफिनेट आर्टिकल्स, ए आर टी आई सी एल ई एस, आर्टिकल्स।
और इस साइड पे आप लिखेंगे डेफिनेट आर्टिकल्स, DEFINITE, डेफिनेट आर्टिकल्स। इसकी स्पेलिंग मैं रिपीट कर देती हूँ, INDEFINITE, इनडेफिनेट, और डेफिनेट की स्पेलिंग करो DEFINITE, डेफिनेट। ठीक है, जब आप ये दो एरो बना के ये दोनों एक साइड पे इनडेफिनेट आर्टिकल और एक साइड पे डेफिनेट आर्टिकल लिख लेंगे, जो कि अभी मैंने आपको सारा समझाया है, तो उसके नीचे आपने इस तरीके से एक और एरो लेना है। डेफिनेट इनडेफिनेट आर्टिकल के नीचे दो एरो आप मजीद लेंगे, इसमें ए और एन का यूज़ होगा, और इनमें सिंगल एरो लेंगे, इसमें दा का यूज़ होगा, और इनको आपने इन्वर्टेड कोमास में ले लेना है। और बिल्कुल ये देखें, जो चीज़ मार्कर से है उसको आपने मार्कर से करना है, और जो चीज़ पेन से है, इंक पेन से, आपने उसको इंक पेन से लिखना है। ये देखें, अभी प्यारे बच्चों मैंने आपको लेक्चर स्टार्ट जब हुआ है तो मैंने आपको बताया है कि इसमें ए एन और दा का इस्तेमाल होता है। जो ए और एन है वो हमारे इनडेफिनेट आर्टिकल हैं, और जो हमारे हैं दा हैं वो डेफिनेट आर्टिकल है। ठीक है, इसीलिए इनडेफिनेट आर्टिकल में ये हमने नीचे एरो लगा के ए और एन लिख दिया, और इनडेफिनेट आर्टिकल में दा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। उसके बाद देखें, दा के नीचे आप एरो लगा के लिखें स्पेशल थिंग्स। दा जो इस्तेमाल होता है वो स्पेशल थिंग्स के साथ इस्तेमाल होता है, ये आपने इसके नीचे लिखना है, दा के नीचे एस पी, ये लाइनें लगाने के लिए आपने स्केल का इस्तेमाल करना है, SPECIAL स्पेशल, STHINGS थिंग्स, SPECIAL स्पेशल, THINGS थिंग्स, स्पेशल थिंग्स। ठीक है, ये आपका दा क्लियर हो गया। ये मैं ऊपर से आपको दोबारा दिखा देती हूँ, जैसे आर्टिकल्स की दो आ गई ना फॉर्म्स, इनडेफिनेट और डेफिनेट, डेफिनेट में आ जाएगा दा और दा आएगा स्पेशल थिंग्स के साथ। अब आ जाएं इस साइड पर, इनडेफिनेट में ए और एन है, अब ए कहाँ इस्तेमाल होगा और एन कहाँ इस्तेमाल होगा, एन तो इस्तेमाल होगा सीधा सीधा वोवल्स के साथ, VOWELS वोवल्स, आई रिपीट VOWELS वोवल्स, कौन कौन से वोवल्स, AEIOU वोवल्स, ए जो है वो किस, एन जो है वो सीधा सीधा वोवल्स के साथ इस्तेमाल होगा। अब ए का यूज जो है वो किस तरह होगा ये देखें, कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट्स, जैसे कि अभी मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट पे बताया है, AEIOU के अलावा जितने भी अल्फ़ाबेट हैं ए से लेकर जी तक, वो सब कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। कॉन्सोनेंट्स आर वन थिंग, यानी कि या तो कॉन्सोनेंट्स के साथ इस्तेमाल होगा या सिंगल थिंग, जैसे सिंगुलर प्लूरल्स होते हैं ना, सिंगुलर थिंग होगी तो उसके साथ इस्तेमाल होगा। ये एक दफ़ा पूरा स्केच देख लें, ये देखें, सबसे पहले आपने लिखना है टॉपिक आर्टिकल्स, उसके बाद दो एरो ले लेने हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल का और डेफिनेट आर्टिकल का। उसके बाद डेफिनेट आर्टिकल में आ जाएगा द, और द इस्तेमाल होगा सीधा सीधा स्पेशल थिंग्स, ये तो एक सीधी लेन आ जाएगी ना, इनडेफिनेट में द, द स्पेशल थिंग्स के साथ इस्तेमाल होगा। इनडेफिनेट में दो चीज़ें आ जाएगी ए और एन, एन सीधा सीधा वोवल के साथ इस्तेमाल होगा, AEIOU वोवल्स के साथ, और जो आ है वो सीधा सीधा इस्तेमाल होगा कॉन्सोनेंट्स या वन थिंग के साथ। ठीक है, यहाँ पे एक नज़र सारा स्केच देख लें, और बिल्कुल एज इट इज़ आपने इसको कॉपी पे ड्रॉ करना है, ये आप ड्रॉ कर लें, देन हम अपना लेक्चर स्टार्ट, नेक्स्ट जो है इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं, फिल इन दी ब्लैंक्स, ये कुछ ब्लैंक्स मैंने आपके लिए फिल कर रखी हैं और कुछ मैं अभी आपके सामने करूंगी। फिल इन द ब्लैंक्स विद द आर्टिकल्स, नंबर वन डैश डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, तो इसमें आ गया द, द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। नंबर टू इट इज डैश ईगल, इट इज, अब देखें ये ई जो है ना ई वोवल है इसलिए एन आएगा, इट इज एन ईगल, इट इज एन ईगल। नंबर थ्री डैश सन राइजेज इन ईस्ट, द सन राइजेज इन ईस्ट, द सन, अब इंपॉर्टेंट थिंग्स के साथ, जैसे कि मैंने आपको बताया था खास चीज़ों के साथ द आएगा, द सन राइजेज इन द ईस्ट, कुछ जगहों पर द बहुत ज़रूरी है, जैसे मैंने आपको बताया कुछ जगहों पर आप लगाएं या ना लगाएं बराबर होता है, सन के साथ ज़रूरी है। ही इज डैश एम ए, ही इज एन एम ए, ठीक है,
ये डिग्री है इसलिए इसके साथ एम में एन इस्तेमाल होगा, वैसे एम वॉवल नहीं है। ही इज आ एम में नहीं होगा, ही इज एन एम में। कुछ जगहों पे वो स्टार्ट में वॉवल नहीं होता लेकिन साउंड वॉवल का नेक्स्ट वर्ड में आ रहा होता है तो हमें एन यूज करना होता है। आई बॉट, बी ओ यू जी एच टी, बॉट। आई बॉट एन एस एंड अ कैमल। आई बॉट, बी ओ यू जी एच टी, बॉट एन एस ए डबल एस एस एन अ कैमल, सी ए एम ई एल, कैमल। आई बॉट एन एस एंड अ कैमल। आई बॉट, मैंने खरीदा एन एस एंड अ कैमल, राइट। अब कुछ मजीद हम लिख लेते हैं नीचे, ये तो मैंने आपके लिए पहले से लिखे हुए थे। नंबर सिक्स, डैश स्काई, एस के वाई, स्काई, डैश स्काई इज वेरी ब्यूटिफुल, बी ई ए यू टी आई एफ यू एल, ब्यूटिफुल। डैश स्काई इज वेरी ब्यूटिफुल। The sky is very beautiful. Number 7. Dash cow is dash useful animal. The cow is, you जो है वो vowel है, the cow is an useful animal. Number 8, dash Quran is a holy book. Dash Quran is a holy book. The Quran is a holy book. He bought B O U G H T. He bought dash ox and dash cow. B O U G H T bought. He bought an ox. अब O vowel इसलिए N आएगा. He bought an ox and a cow. Number 10, this is dash book I bought yesterday. This is dash book I bought yesterday. This is a book I bought yesterday. Number 11. Dash old man was sitting, S I double T I N G, sitting here, H E R E, here. An old man, चूंकि O vowels है, vowel है इसलिए an old man. Number 12,
देयर इज डैश ब्रिज बी आर आई डी जी ई देयर इज डैश ब्रिज ओ वी ई आर ओवर डैश रावी ब्रिज कहते हैं पुल को देयर इज अ ब्रिज ओवर द रावी ओवर द रावी नंबर थ्री डैश मून शाइन्स एट नाइट The moon shines at night. Number 14. Dash. Earth. E-A-R-T-H. The dash earth moves round dash sun. Dash earth the earth moves around the sun I saw a dash line in the zoo I saw A line in the zoo. Number 16. He has bought dash cow. He has bought a cow. Number 17. He has dash umbrella. U-M-B-R-E-L-L umbrella. He has an umbrella. चूंकि ये vowel है U तो N लगेगा ये consonant है C तो A लगेगा. Number 18. We crossed 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 dash river in dash boat 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 kashti we crossed dash river we crossed the river in the boat I gave him dash 5 rupee R-U-P-E-E rupee to old dash यहाँ पे dash पहले आएगा to dash old beggar बेगर होता है फकीर आई गेव हिम डैश 5 रुपी टू डैश ओल्ड बेगर आई गेव हिम द 5 रुपी टू एन ओल्ड बेगर आई गेव हिम द 5 रुपी टू एन ओल्ड बेगर नंबर 20 Do not make dash noise. N-O-I-S-E noise. Do not make a noise. यानी कि शोर मत किया जाए.
डू नॉट मेक अ नॉइस. डियर स्टूडेंट्स, हमने अपने आर्टिकल कंप्लीट कर लिए हैं. आई होप आपको बहुत मज़ा आया होगा समझने में, सीखने में, और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको बहुत अच्छे से समझ भी आई होगी और आपने ये काम साथ साथ लिख भी लिया होगा. नहीं लिखा तो अभी आप इसको साथ साथ लिख लें, नीट एंड क्लीन राइटिंग में इसको आपने लिखना है और देन आपने याद करना है. सबसे पहली बात, ये आर्टिकल का जो स्केच अपने दिमाग में आप बिठा लें, अगर आप इसको अपने दिमाग में बिठा लेते हैं तो इंशाल्लाह आप कामयाब रहेंगे, और उसके बाद जो इसका यूज़ जो है वो भी आप अच्छे तरीके से जहन नशीन कर लें. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके पास एक और नया टॉपिक लेकर आऊँगी ग्रामर के हवाले से. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और घरों में महफूज रहिएगा. अपना और दूसरों सबका ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.